हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? मस्त ना? बिल्कुल यार, सब बढ़िया ही और सब मस्त ही रहना चाहिए। तो आज हम दोस्तों आ गए हैं क्लास नंबर 3 के अंदर। मतलब इसके पहले हम जो न्यू सेशन 2024 से 25 के लिए है, हम दो क्लास आपको दे चुके हैं। और भाई ये हमारी तीसरी क्लास है, और आज की जो तीसरी क्लास है वो हम आपसे कहते हैं मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट आईएमपी क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, तो भाई बहुत कुछ सीखने के लिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और भाई अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से यार चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे आपको रेड कलर का जो बटन दिख रहा है इसको भाई दबाइए और ये काला हो जाएगा भाई, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको हर एक जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। और भाई अच्छी लगे वीडियो ना तो वीडियो को लाइक भी करना। तो बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस यार, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेनरी नियम। ठीक है, क्या पढ़ने वाले बेटा? हेनरी नियम, हेनरी लॉ। ठीक है, अब हेनरी नियम, हेनरी लॉ पढ़ेंगे, लेकिन हेनरी नियम और हेनरी लॉ को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों के कुछ कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होंगे तो भाई हेनरी नियम हमारा बेकार हो जाएगा। तो आओ पहले हम उन कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। तो गाइस यार, यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग डली हुई है, गैस की द्रव में विलयता। अब सर ये कौन सी वाला है? गैस की द्रव में विलयता बोला गया, गैस की द्रव में विलयता, मतलब गैस की द्रव में विलयता। तो यहाँ विलयता का मतलब मेरे भाई इतना सा होता है, देखो ये होता है विलयता का मतलब। विलयता का मतलब घुलना या फिर मिलना, घुलना या फिर मिलना, इस विलयता का मतलब होता है। तो अगर हम अब पूरी हेडिंग का मतलब निकालें तो गैस का द्रव में घुलना या मिलना, सिंपल है। तो भाई गैस की द्रव में विलयता क्या है? गैस का द्रव में मिलना या घुलना। तो भाई हमें क्या करना है, गैस की द्रव में विलयता के अंदर गैस को द्रव में मिलाना है। तो गैस को द्रव में मिलाएंगे तो क्या गैस द्रव में मिलेगी? नो। देखो प्रकृति कहती है भाई, नेचर ये कहता है कि भाई जो ठोस होता है वो ठोस भाई वो द्रव में मिल द्रव में परिवर्तित होगा। ठोस किस में परिवर्तित होगा? द्रव में परिवर्तित होगा। और द्रव किस में परिवर्तित होगा? भाई गैस में परिवर्तित होगा। ठीक है, ओके, ये प्रकृति कहती, ये नियम है ना, ये नियम है कि ये जो है ना ऑटोमेटिकली होता है, मतलब ऑटोमेटिक होता है। इसको करने के लिए हमें किसी प्रेशर या फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ठोस पहले द्रव में जाएगा और फिर गैस में जाएगा। ठीक है, ये प्रकृति कहती है, ये नेचर कहता है कि ऐसा होगा। लेकिन यार हमें कभी ऐसा करना पड़े कि गैस को द्रव में बदलना पड़े और फिर द्रव को ठोस में बदलना पड़े तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ बाह्य बल या बाह्य फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये वाला फ्लो चलेगा। लेकिन ये वाला जो फ्लो है वो भाई ऑटोमेटिक होता है ना। तो भाई गैस को हमें द्रव में मिलाना है। ठीक है, गैस को हमें क्या करना है? द्रव में मिलाना है। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं भाई ये हमारे पास एक कंटेनर, ये हमारे पास क्या है भाई, एक कंटेनर। और इस कंटेनर में भाई यहाँ तक हमने क्या भर दिया? पानी भर दिया। क्या भर दिया? जल भर दिया। ठीक है, ये हमने इसके अंदर भर दिया जल। और भाई यहाँ पर हम क्या भर रहे हैं? गैस। यहाँ पर हम क्या भर रहे हैं बेटा? गैस भर रहे हैं। तो ये हमने अलग कलर में इसको थोड़ा बता दिया, ये यहाँ तक क्या है? गैस। ये यहाँ तक क्या है? गैस। ये यहाँ भरी हुई गैस और यहाँ भरा हुआ है द्रव, मतलब पानी। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई, क्या ये गैस ये द्रव में परिवर्तित होगी? ये गैस क्या द्रव में मिलेगी? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्योंकि प्रकृति कहती है कि भाई द्रव गैस में परिवर्तित होगा, जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित होगा, गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित नहीं होगी, इजिली अपने आप नहीं होगी। ठीक है, तो ये गैस इस द्रव में नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अगर हम इस पर एक पिस्टन लगा दें, क्या लगा दें बेटा? एक पिस्टन। पिस्टन मतलब जानते हो, जैसे पंप जो होता है साइकिल में या मोटरसाइकिल में हवा भरने का, उसको हम दबाते हैं तो वही तो पिस्टन होता है। ठीक है, तो यहाँ हम पिस्टन लगा दें और पिस्टन के द्वारा बेटा हम क्या लगाएं, यहाँ पर दाब लगाएं। क्या लगाएं? यहाँ से हम दाब लगाएं, और जैसे ही हम दाब लगाएंगे तो पिस्टन कहाँ जाएगा? नीचे। और पिस्टन जब नीचे जाएगा तो ये जो गैस है अपने आप किसे मिलेगी? द्रव में मिलेगी। अभी ये अपने आप नहीं मिलेगी, लेकिन हम देखो यहाँ से बाहर फोर्स लगा रहे हैं ना, बाहर बल लगा रहे हैं, तो ये गैस इसमें
मिलने लगेगी। ठीक है, तो भाई ये होता है। तो बेटा हमें क्या करना है, गैस को ड्रम में मिलाना है। ठीक है, गैस को ड्रम में मिलाना है, वो गैस की ड्रम में विलेयता होगी। तो अगर वो पूछे कि भाई गैस की ड्रम में विलेयता क्या है, तो आप इजीली जवाब बहुत छोटे से और बहुत सरल रूप में जवाब देना कि भाई गैस का ड्रम में मिलना या गैस का ड्रम में घुलना गैस की ड्रम में विलेयता कहलाती है। खत्म। ये तो भाई हमने इसको परिभाषित कर दिया कि किसी गैस का ड्रम में मिलना या घुलना गैस की ड्रम में विलेयता कहलाती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन मेरे भाई कोई गैस ड्रम में कब ज्यादा मिलेगी कब कम मिलेगी, ये गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है बेटा, ये गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि कोई गैस कब ज्यादा उसमें ड्रम में मिलेगी और कब कम मिलेगी। जैसे हम अगर देखें तो जैसे आपके पास है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आपके पास है बेटा NH3 मतलब अमोनिया, NH3 मतलब अमोनिया। ठीक है, अब जैसे आपके पास है सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब SO3। ठीक है, SO3 या सल्फर डाइऑक्साइड मान लिया। ठीक है, SO2। ठीक है, ये जो मैंने गैसें यहां पर लिखी हैं, इन गैसों की प्रकृति है कि ये गैसें शीघ्रता से जल में विलय हो जाती हैं, शीघ्रता से द्रव में मिल जाती हैं। ये ऐसी गैसें हैं, ये ऐसी गैसें हैं, इन गैसों की प्रकृति ये है कि ये शीघ्रता से जो जल में है या द्रव में है विलय हो जाती हैं, मिल जाती हैं। लेकिन मैं कुछ गैसों को यहाँ और लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ है ना, Cl2 हुआ, O2 हुआ, ये जो गैसें हैं जो आपको दिख रही हैं, H2 हुआ, Cl2 हुआ, O2 हुआ, और हम नाइट्रोजन को भी मान सकते हैं, ये नाइट्रोजन हुआ, ये मेरे प्यारे साथियों एक ऐसी गैसें हैं जो शीघ्रता से द्रव में विलय नहीं होती, शीघ्रता से जल में नहीं मिलती। तो अगर ये जो गैसें हैं वो शीघ्रता से जल में मिल जाती हैं या द्रव में विलय हो जाती हैं, तो बताओ इनकी विलेयता द्रव में ज्यादा होगी या कम होगी, बोलो। तो आप कहोगे सर जब ये शीघ्रता से इजिली द्रव में मिल जाती हैं तो इनकी विलेयता ज्यादा होगी, मतलब ये ज्यादा मात्रा में घुलेंगी, क्योंकि इनकी विलेयता ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा मात्रा में घुलेंगी। ठीक है, लेकिन इनकी विलेयता जो है वो द्रव में क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये शीघ्रता से द्रव में नहीं मिलती। और जब शीघ्रता से द्रव में नहीं मिलती तो इनकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इनकी विलेयता ज्यादा है और इनकी विलेयता कम है, तो भाई ये तो गैस की द्रव में विलेयता हो गई। लेकिन अगर हम बोले गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कौन से प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक क्या जाएगा, गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति। अब गैस की प्रकृति में क्या जाएगा, जो गैसें शीघ्रता से द्रव में मिल जाती हैं उनकी विलेयता ज्यादा होगी, और जो गैसें शीघ्रता से द्रव में नहीं मिलती उनकी विलेयता कम होगी, होगी कि नहीं। ठीक है, तो ये गैसें हैं जो शीघ्रता से द्रव में विलय हो जाती हैं, इनकी विलेयता ज्यादा है, और ये शीघ्रता से विलय नहीं होती, इनकी विलेयता कम है। तो इस पॉइंट के अंदर अगर हमें लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे, देखो ध्यान से अपने नोट्स में भी लिखना है ना, ऐसी गैसें जो शीघ्रता से द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे CO2, SO2, NH3, ETC। ठीक है, ऐसी गैसें जो शीघ्रता से द्रव में विलय हो जाती हैं, जैसे CO2, SO2, NH3 आदि की द्रव में विलेयता अधिक होती है। ठीक है, आदि की द्रव में विलेयता अधिक होती है, इतना लिखना। किंतु ऐसी गैसें जो शीघ्रता से द्रव में परिवर्तित नहीं होती, जैसे H2O2 Cl2 N2 ETC आदि की द्रव में विलेयता कम होती है। ठीक है, आदि की द्रव में विलेयता क्यों कम होगी, क्योंकि शीघ्रता से विलय नहीं होती और ये शीघ्रता से विलय हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट बन गया गैस की प्रकृति का, ये अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना, ठीक है, और समझते जाना चीजों को। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट हम डालते हैं प्रभावित करने वाले कारकों में ताप। दूसरा पॉइंट हम क्या डालते हैं, प्रभावित करने वालों में ताप। तो बताओ ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, यहाँ देखो आप ध्यान सुनना, जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर, ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक इसके अंदर भरा हुआ है द्रव और यहाँ पर भरी हुई है गैस, यहाँ पर भरी हुई है क्या बेटा, गैस।
और भाई आप हम बताओ, अगर हम इसको यहाँ से गर्म करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो जैसे ही हम गर्म करेंगे तो भाई प्रकृति क्या कहती है, प्रकृति क्या कहती है कि भाई गर्म करेंगे तो ठोस किस में परिवर्तित होगा बेटा, द्रव में, और द्रव किस में परिवर्तित होगा बेटा, गैस में। ये प्रकृति कहती है, ये नेचर कहता है, ठीक है। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो द्रव भरा हुआ है, जो द्रव भरा हुआ है वो द्रव किस में परिवर्तित होगा बेटा, गैस में परिवर्तित होगा। किस में परिवर्तित होगा, गैस में परिवर्तित होगा। और हमें क्या करना है, इस गैस को द्रव में परिवर्तित करना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है ताप बढ़ाने पर, बोलो ऐसा पॉसिबल है ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर क्या ये गैस द्रव में विलय होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर तो द्रव खुद गैस में परिवर्तित होता है, द्रव खुद गैस में परिवर्तित होता है, और गैस को हमें द्रव में मिलाना तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इसका ताप बढ़ाएंगे तो गैस की जो द्रव में विलयता है वो बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलयता घटती है ना, ध्यान रखना इस पॉइंट को बहुत अच्छे से, क्योंकि ताप बढ़ाने से गैस और जो द्रव है इसके बीच जो है वो संबंध टूटता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलयता बढ़ेगी, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो जो गैस है और ये द्रव है इनके बीच जो संबंध है वो टूटेगा, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो द्रव खुद गैस में परिवर्तित होगा, समझ रहे हो ना। तो आपको इस पॉइंट के अंदर यही लिखना है, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलयता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से गैस व द्रव के बीच बंध जो है टूट जाते हैं, जबकि ताप घटाएंगे तो गैस की द्रव में विलयता बढ़ेगी, यही इस पॉइंट के अंदर लिखना है। तो हमारे दो पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, तो तीसरा पॉइंट हम यहाँ देख लेंगे, और तीसरा पॉइंट है बेटा दाब, तीसरा पॉइंट बेटा क्या है, दाब। अब यहाँ समझना, दाब को समझना, ध्यान से अच्छे से समझना और ये अपनी कॉपी में लिखते जाना, ठीक है। देखो ये मेरे पास एक कंटेनर, ठीक है, यहाँ तक इसमें भरा हुआ है द्रव, और यहाँ पर इसके अंदर क्या भरी हुई है बेटा, गैस भरी हुई है, क्या भरी हुई है, गैस। अब दाब, दाब लगाना है तो एक पिस्टन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, पिस्टन, और पिस्टन के थ्रू इसमें हम क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। तो बताओ अगर हम दाब लगाएंगे, है ना, तो ये जो गैस है इस पर भी दाब लगेगा, और जब गैस से दाब लगेगा तो गैस किस में परिवर्तित होगी, द्रव, द्रव में, किस में परिवर्तित होगी बेटा, द्रव में। यही तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये है द्रव, देखो आपको पता है आपके घर में सिलेंडर होता है, आपको पता है आपके घर में क्या है, गैस सिलेंडर है जिसमें गैस भरी होती है, लेकिन आपके सिलेंडर में जो गैस भरी है मेरे भाई, वो गैस गैस अवस्था में नहीं है, वो द्रव अवस्था में भरी हुई, जो एलपीजी भरी हुई है वो सिलेंडर के अंदर द्रव अवस्था में भरी हुई है, समझ पा रहे हो, कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। अच्छा उसको सर द्रव अवस्था में कैसे किया गया, तो द्रव अवस्था में बेटा अधिक दाब लगाकर ही किया। अगर हमें किसी भी गैस को द्रव में बदलना है तो उस पर दाब लगाओ, वो गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात को, है ना। और अदाब लगाकर तो भाई हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन जो भी है ना, CO2, SO2, प्रत्येक गैस को हम अधिक दाब लगाकर द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है। अगर आपको किसी भी गैस को द्रव में परिवर्तित करना है तो उस पर दाब लगाना पड़ेगा, और दाब लगाओगे तो वो गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, और यही कारण है कि जो LPG सिलेंडर है अधिक दाब पर सिलेंडरों में द्रव अवस्था में भरा जाता है। तो ध्यान रखना कि जैसे यहाँ से हम पिस्टन के द्वारा दाब लगाएंगे तो ये जो गैस है भाई, ये जो गैस है वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। तो मतलब दाब लगाएंगे तो गैस की द्रव में विलयता तो बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं ना, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलयता बढ़ती है, क्योंकि दाब बढ़ाने से गैस की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि, ठीक है, क्योंकि दाब बढ़ाएंगे तो गैस की जो मात्रा है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, और मात्रा में वृद्धि होगी तो वो काय में परिवर्तित हो जाएगी, द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर क्या लिखना, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलयता बढ़ती है, क्योंकि दाब बढ़ाने से गैस की मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है, बस इतना अकेला आपको लिखना है, ठीक है। तो ये गैस की द्रव में विलयता हुई और इसको ये प्रभावित करने वाले कारक हुई। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये जो चीज है वो समझ आपके दिमाग में आ गई होगी, ठीक है। तो गैस की द्रव में विलयता आप समझ गए, गैस का द्रव में मिलना या गैस का द्रव में घुलना गैस की द्रव में विलयता कहलाती है, क्लियर है, ठीक है। तो गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक थे गैस की प्रकृति, है ना, दाब, ताप, और तीसरा था दाब, क्लियर होगा। और ऐसा ही अगर क्वेश्चन कभी आए कि भाई गैस, ये तो गैस की द्रव में विलयता है,
ठीक है, ये आपने समझ लिया, लिख लिया कॉपी में, और कभी आपको ठोस की द्रव में विलेयता आए तो ये सेम सेम चीजें मिल जाएंगी उसमें, है ना। तो इसको भी आप कंप्लीट कर लेना, है ना। तो अभी हमने यह पढ़ी है गैस की द्रव में विलेयता, आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। और अब हम हेनरी नियम के ऊपर बात कर सकते हैं, हेनरी नियम पढ़ेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर अब हम हेनरी नियम बहुत अच्छे से समझेंगे, आओ जल्दी से समझते हैं। गैस की द्रव में विलेयता हमने समझ ली, तो ध्यान से सुनना, एक लाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी गैस की द्रव में विलेयता पर, देखो किसी गैस की द्रव में विलेयता पर, जो गैस की द्रव में विलेयता है उस पर ही, है ना, किसका, दाब का प्रभाव, किसका बेटा, दाब का प्रभाव, जो गैस की द्रव में विलेयता अभी हमने जो पढ़ के रखी है ना, इस पर ही दाब का प्रभाव, किसका, दाब का प्रभाव समझाने के लिए, दाब का प्रभाव समझाने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने सन 1805 में एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अच्छा, अब ये इससे देखो, ये जो पैराग्राफ है इससे केवल हमें इतनी बात पता चली है कि हेनरी महोदय थे, इनने अपना नियम दिया क्यों, तो क्यों दिया इनने अपना नियम, गैस की द्रव में विलेयता पर किसका प्रभाव समझाने के लिए, दाब का प्रभाव समझाने के लिए। और इन्होंने गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का पता क्या प्रभाव समझाया, देखो आप समझते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो ये मेरे पास क्या है, एक बर्तन है, और इसमें मेरे भाई यहाँ तक मैंने एक लिक्विड भर लिया, यहाँ तक मैंने क्या भर दिया, इसके अंदर एक द्रव भर दिया, ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर ये भरी हुई है गैस, ये भरी हुई है गैस, ठीक है, ये भरी हुई है गैस, और यहाँ लगा हुआ है एक पिस्टन, ये लगा हुआ है क्या, पिस्टन, ठीक है, और इस पिस्टन के द्वारा हम इस पे क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दाब। तो इनने ये बोला, हेनरी जो महोदय थे, इनने बोला कि अगर इस पिस्टन के द्वारा तुम दाब लगाओगे, क्या लगाओगे, दाब लगाओगे, तो ये जो गैस है वो गैस इस ड्रम में ब्लेक होगी, और जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतनी ज्यादा ये जो गैस है वो इसमें ड्रम में ब्लेक होगी। मतलब उन्होंने कहा था कि दाब बढ़ाओगे तो गैस की मात्रा ड्रम में ज्यादा ब्लेक होगी, और दाब कम करोगे तो गैस की मात्रा ड्रम में कम मिलेगी, और बस इतनी सी बात उन्होंने बताई। और ये तो हम अभी सीख कर आए हैं, ये तो हमने गैस की ड्रम में विलेयता में सीखा है कि दाब बढ़ाएंगे तो गैस की ड्रम में विलेयता बढ़ेगी, और दाब बढ़ाएंगे घटाएंगे तो गैस की ड्रम में विलेयता घटेगी, है ना। तो अभी सीखा, अगर हमें किसी गैस को ड्रम में परिवर्तित करना है तो गैस को हम अधिक दाब पर गैस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात इनने बताई, कोई अलग से इनने बात नहीं बताई, ठीक है। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव समझाने के लिए सन 1805 में एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं, बस। तो ये बात हमें यहाँ से पता चली कि हेनरी ने नियम क्यों दिया, ठीक है। अब पेपर में लिखने की बात बारी है, तो सर क्या ये हम पेपर में लिखें, तो भाई ये नहीं लिखना हो तो बिल्कुल मत लिखना पेपर में, लेकिन लिखोगे तो ये चीज तो सोने में सुहागा का काम करती है, है ना। जैसे सोने में सुहागा काम करता है ना, वैसे ही ये काम करती है, ठीक है। अपन को एग्जाम में कहाँ से लिखना है, तो एग्जाम में लिखना है हमें इस नियम के अनुसार, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार देखो क्या बोला गया, इस नियम के अनुसार बोला गया, स्थिर ताप पर किसी द्रव में, कोई भी द्रव हो सकता है, जरूरी नहीं कि जल हो, कोई भी द्रव हो सकता है ना, ताप क्या होना चाहिए, स्थिर। अक्सर स्थिर ताप क्यों होना चाहिए मेरे भाई, स्थिर ताप पर ये वैज्ञानिक लोग इसलिए काम किया करते थे, और हमको भी ये सजेस्ट करते हैं कि भाई स्थिर ताप पर काम करो, क्यों, क्योंकि स्थिर ताप पर अगर काम करेंगे, स्थिर ताप पर काम करेंगे तो कोई चीज हमें अच्छी देखने को मिलती है, ज्यादा अच्छी, ठीक है। ऐसे ऐसे है ना, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर यहाँ बहुत सारा शोर हो रहा होता है तो क्या वीडियो आपको अच्छे से सुनाई देती, नहीं ना, कुछ इधर से आवाज आ रही थी, इधर से आ रही होती तो सही से नहीं सुन पाते, है ना। लेकिन अभी यहाँ बिल्कुल भी शोर नहीं हो रहा, तो मेरी जो वॉइस है आप तक बहुत अच्छे से क्लियरली पहुंच रही है। तो ऐसे ही बस स्थिर ताप बस अच्छा दिखाने के लिए, प्रदर्शन अच्छा हो इसलिए किया जाता है, ठीक है। तो स्थिर ताप पर किसी भी द्रव में, कोई भी द्रव हो सकता है, विलेय गैस की मात्रा, स्थिर ताप पर किसी द्रव में विलेय, जो गैस की मात्रा है, ध्यान रखना ये गैस की मात्रा, ठीक है, गैस की मात्रा, उस पर लगाए गए दाब, ये लिखा है दाब, ठीक है। तो दाब की कैसी होती है, समानुपाती, समानुपाती मतलब अनुक्रमानुपाती, समानुपाती का मतलब क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, ध्यान रखना। तो कौन किसकी अनुक्रमानुपाती है, तो गैस की मात्रा जो है वो दाब के कैसी है, अनुक्रमानुपाती। और अनुक्रमानुपाती का मतलब जानते हो, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो ए अनुक्रमानुपाती भी है, ये अनुक्रमानुपाती क्या है, भी है, तो अगर ए बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, बी भी बढ़ेगा, ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ेगा, और अगर ए घट रहा है तो ये भी, बी भी घटेगा, ठीक है। तो
ए बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये घटेगा। ये होता है भाई अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब, ठीक है। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में जस्ट उल्टा हो जाता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान सुनो, यदि मैंने क्या कर लिया, गैस की मात्रा को बेटा m मान लिया, क्या मान लिया m, है ना, और लगाए गए दाब को क्या मान लिया p मान लिया, क्या मान लिया p मान लिया, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार फिर क्या आ जाएगा, यहाँ देख लिख दूंगा, तब इस नियमानुसार, इस नियमानुसार बताओ क्या होगा, अब आपकी बारी है भाई, बताओ क्या होगा, अब आपकी बारी है, इस नियम अनुसार हम आगे क्या लिखें। तो भाई आप इस नियम अनुसार यही लिखेंगे कि ये खुद तो बोल रहा है गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है, तो गैस की मात्रा बेटा क्या स्मॉल m, ठीक है, समानुपाती क्या बेटा p, तो ये गैस की मात्रा समानुपाती p ये हो गया, है ना। और आपको पता है समानुपाती का जब जब साइन हटता है तो एक नियतांक आता है, और वो नियतांक यहाँ पर आएगा k, है ना, के ही आएगा, बट एच हमने इसलिए दिया क्योंकि ये पहचान रहे कि ये भाई हेनरी लॉ या हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी स्थिरांक है, ठीक है। तो और ये आपका रहा पी, ठीक है। तो यहाँ हम एक लाइन में लिख देंगे भाई, जहाँ के एच एक नियतांक है, के एच एक नियतांक है, ठीक है, जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं, जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं, हेनरी नियतांक कहते हैं, एनी नियतांक कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गया, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे थोड़ा सा और समझ लो, हेनरी जो कांस्टेंट है मेरे भाई, प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि हेनरी नियतांक की जो वैल्यू है जो CO2 के लिए है वही NH3 के लिए हो, वही SO2 के लिए हो, वही H2 के लिए हो और वही N2 के लिए हो, ऐसा नहीं है। हेनरी जो कांस्टेंट है, हेनरी नियतांक है, इसकी जो वैल्यू है प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग होती है, क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और याद रखो कि जो के एच है इसका जो मात्रक है वो क्या होना चाहिए, के एच का मात्रक क्या होता है, ये चीज आप और याद रख लेना बस, ठीक है। तो भाई के एच का जो मात्रक है वो आपका, जो मैं बता देता हूँ, वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, जो के एच है इसका मात्रक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका जो मात्रक है या फिर हम जो बोले इकाई, है ना, तो इसकी इकाई बेटा टॉर होती है, ठीक है, या फिर बार होती है, क्या होती है, बार, क्योंकि ये तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो प्रेशर जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे आपका क्या बदल जाएगा बेटा, जो है ना हेनरी नियतांक के एच की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, बदल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है बेटा, नहीं ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी कि गैसों के ऊपर डिपेंड करेगी, अलग अलग गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये हेनरी नियम हमारा कम्प्लीटली समाप्त हो जाता है, अगर एग्जाम में हेनरी नियम आता है तो ये इतना और आपको इतना लिख देना है, खत्म, ठीक है। चलो अब यहाँ से हेनरी नियम की मैं एक विशिष्ट बात और बताता हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है। विशेष बात मेरे भाई ये है कि जब हेनरी नियम ने ये नियम तो दे दिया, हेनरी नियम ने ये अपना नियम तो दे दिया, लेकिन आगे क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिक और आए, उन्होंने जोर जबरदस्ती की, कुछ कमेंट की, जैसे हम कहते हैं ना कोई अच्छा काम करता है तो उस पर है ना भाई डींगे मारने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही डाल्टन महोदय आ गए, तो डाल्टन महोदय का मानना कुछ और था, है ना, और इनका मानना कुछ और था, तो आगे जाके इन्होंने क्या किया, जो हेनरी महोदय है इनने और ज्यादा रिसर्च की इस नियम पर, और आगे ज्यादा रिसर्च की इस नियम पर, तो उन्होंने बोल दिया भाई यहाँ तक तो ये सत्य है, लेकिन मैं इसके अंदर एक बात आपको और बताता हूँ। तो वो बात इन्होंने ये बताई कि अगर ये जो बिलियन है, देखो बिलियन को बाष्प अवस्था में ले जाया जाए, कौन सी अवस्था में, बाष्प अवस्था, बाष्प अवस्था मतलब जैसे मान के चलो आप नमक और जल का एक बिलियन बना लो और उसको गैस पे रख दो, और जब गैस पे रखेंगे तो वो क्या होगा, गर्म होगा, और गैस पे रखेंगे गर्म होगा तो धीरे धीरे वो किसमें परिवर्तित होगा, बाष्प में परिवर्तित होगा, होगा कि नहीं। तो उसी कंडीशन की इन्होंने बात की, तो आगे उन्होंने रखा कि अगर भाई इसको बाष्प अवस्था में ले जाया जाए, कौन सी अवस्था में, बाष्प अवस्था में, ठीक है। तो जो गैसों का आंशिक दाब है, गैसों का क्या है बेटा, आंशिक दाब है, दाब दाब वो ही आंशिक, आंशिक दाब मतलब वो ही दाब,
है ना। गैसों का जो आंशिक दाब है बिलियन में गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा, ध्यान रखना मूल प्रभाज की क्या होगा, समानुपाती। आगे इन्होंने एक बात और कह दी, ठीक है, तो ये तो यहाँ तक इनकी सिद्ध है बात, बट आगे जो है ना इन्होंने एक बात और कह दी, तो यहाँ पर आप किंतु लगाकर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है इससे ही न्यूमेरिकल बनते हैं, आजकल जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं। एग्जाम में लिखने के लिए तो आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, जो लिखना आप वो लिख सकते हो, यहाँ तक लिखना आप एग्जाम में, तो ठीक है यहाँ तक, इसके आगे मत लिखना। बट ये चीज याद रखना कि अगर वाष्प अवस्था की बात आ जाए तो वाष्प अवस्था में जो गैसों का जो आंशिक दाब है विलयन में गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इतना बात याद रखना, तो इसको और हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यदि आंशिक दाब, यदि आंशिक दाब, आंशिक दाब पी व मूल प्रभाज, व मूल, यहां लिखते हैं यदि गैसों का आंशिक दाब, यदि यदि गैसों का, किसका, गैसों का आंशिक दाब पी व मूल प्रभाज, मूल प्रभाज एक्स, मूल प्रभाज क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। मूल प्रभाज को हम एक्स से व्यक्त करते हैं, ठीक है। एक्स है तब, तब क्या हो जाएगा बेटा, पी समानुपाती एक्स, पी समानुपाती एक्स, और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो वापस से एक वही नियतांक आएगा जो हेनरी नियतांक होगा और ये एक्स, ठीक है। तो भाई यहाँ तक उन्होंने और कह दिया कि अब ये होगा, इससे ज्यादा अब कुछ भी कोई कह ले अब परिवर्तित नहीं होगा, और आगे जाके ये बात जो है ना सत्य हुई और कोई इस पर डेंगे नहीं मार पाया, हमेशा ये सत्य रहा, ठीक है। तो ये याद रखना कि भाई हेनरी नियम का जो न्यूमेरिकल है वो भाई इससे ही बनेगा, ध्यान रखना इससे ही हेनरी नियम का न्यूमेरिकल बनेगा, इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल इससे ही बनता है, ठीक है। तो आजकल, ठीक है, तो ये हमारा जो कम्प्लीटली है हेनरी नियम हो चुका है, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में भी आ गई होगी, दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। अब गैस हेनरी जो नियम है इसकी कुछ शर्तें हैं, ठीक है, मतलब इसकी कुछ है अनुप्रयोग भी हैं और इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, तो उनको भी हम जान लेते हैं अगली स्लाइड में, ठीक है बेटा। गैस हम जान लेंगे हेनरी नियम की जो सीमाएं हैं वो क्या रहनी चाहिए और इसके अनुप्रयोग उपयोग हेनरी नियम का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, हेनरी नियम की सीमाओं पर अगर बात करें तो भाई गैस का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। देखो हमें हेनरी नियम में बताया गया था कि भाई दाब बढ़ाओगे तो ही गैस की द्रव्यमान बढ़ेगी और दाब नहीं बढ़ाओगे तो गैस की द्रव्यमान नहीं बढ़ेगी, ये बोला गया था। लेकिन यहाँ बोला कि गैस का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यार बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। देखो अगर बहुत अधिक दाब होगा तो भाई जबरदस्ती जो गैस है वो द्रव में मिल जाएगी, क्योंकि दाब बढ़ाओगे तो गैस को द्रव में मिलना ही है, वो तो मिलेगी, लेकिन फिर वो जबरदस्ती का काम होना हो जाएगा। मतलब एक लिमिट में ही दाब बढ़ाना है, बहुत ज्यादा दाब नहीं बढ़ाना है, एक लिमिट में दाब बढ़ाने से अगर कोई गैस द्रव में मिल रही है तो वो सही माना जाएगा, लेकिन फिर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो फिर वो जबरदस्ती का काम हो जाएगा, ठीक है। ये उसी प्रकार जैसे मुझसे किसी ने बोला कि चलो भाई अपन उधर चलते हैं, ठीक है, अब मेरा मन होगा तो मैं चला जाऊंगा और नहीं होगा तो फिर मैं कोई बहाने बताऊंगा, तो फिर क्या करेगा, अगर मुझसे कोई ऐसा करे गर्दन पकड़े और चल मैं, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा ना, तो ये उसी टाइप का हो, है ना। तो बिल्कुल यार एक सीमा जो एक लिमिट है उधर तक ही बढ़ाना चाहिए दाब, उससे ज्यादा नहीं, तो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ होना है गैस का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, देखो ताप, देखो दाब अधिक होगा तो ताप तो कम होगा ही होगा, लेकिन बहुत कम ताप ना हो इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे, गैस की विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। देखो गैस जो है विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी गैस नहीं होना चाहिए कि विलायक में डाली और उनके अंदर क्या हो गई, क्रिया हो गई और वो कोई मतलब एक प्रोडक्ट बना ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने आप कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, है ना, कि भाई ऐसा कि गैस को द्रव में डाला और वो उसके साथ मिल गई घुल गई बस क्रिया हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो गैस का विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, अर्थात ऐसा ही लिख सकते हैं, अर्थात अर्थात संगुणन, अर्थात संगुणन, संगुणन का मतलब क्या होता है, मिलना, ठीक है, या वियोजन, या वियोजन, वियोजन, वियोजन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई गैस द्रव में मिली तो उसको वियोजित कर दे, तोड़ दे अलग अलग भागों में, ठीक है। तो संगुणन या वियोजन ना हो, ना हो।
हो ना हो ये रहेंगे, ठीक है। तो ये इनकी सीमाएं हो गई, ठीक है। अब अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे, तो देखो अनुप्रयोग गैस का जो हेनरी नियम का अनुप्रयोग देखो ये की है, जैसे सोडा वाटर, हम आपको कल परसों एक उदाहरण दे रहे थे सोडा वाटर और जो शीतल पेय जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, शीतल पेय तो मतलब कोल्ड ड्रिंक्स होती है आजकल, कोको कोला है ना, जो है ना फ्रूटी माजा है ना, स्प्राइट थम्स अप, ये बहुत टाइप की जो है ना कोल्ड ड्रिंक चल रही है, ठीक है। और इनके अंदर बेटा CO2 गैस को डाला जाता है, कौन सी गैस को डाला जाता है CO2। अच्छा CO2 को क्यों डाला जाता है, CO2 को इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो है ना इसकी ठंडक अच्छी रहे, मतलब ये ठंडे हो जाए। देखो आपको पता है ना बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, अच्छे ठंडे पदार्थ होते हैं ना, तो और इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और बहुत लंबे समय तक इनको रखे रहने के लिए इसके अंदर क्या डाली जाती है, CO2 डाली जाती है। क्यों क्यों डाली जाती है, देखो इनको ठंडक के लिए है ना, ये लंबे समय तक रखे रहे इसीलिए इनमें CO2 डाली जाती है। लेकिन वो CO2 कैसे डाली जाती है तो वो समझदार है ना, तो सोडा वाटर और शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए ठीक है हम हेनरी नियम का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 डालेंगे, ठीक है, तो नॉर्मल तो CO2 उसके अंदर जाएगी नहीं, तो इसलिए ये जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 भरी जाती है वो अधिक दाब पर भरी जाती है। अधिक दाब पर भरेंगे तो क्या होगी, ये जो CO2 होगी जो कोल्ड ड्रिंक्स का जो द्रव होता है उसके साथ मिल जाती है, और जब उसका साथ मिल जाती है तो ईजिली बहुत लंबे समय तक ये रखी रहती है, ठीक है। और अगर नहीं मिलेगी तो ऊपर ही रहेगी, और ऊपर रहेगी तो वो तोड़ जाएगी, समझ रहा ना, ठीक है। तो ध्यान रखना सोडा वाटर और शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए हम हेनरी नियम का उपयोग करते हैं और अधिक दाब पर इसके अंदर CO2 हम भरते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के, देखिए सांस लेने के लिए देखो गोताखोर जो होते हैं गहरे समुद्र में सांस लेते हैं, गहरे समुद्र में गोता लगाते हैं ना, और जब गहरे समुद्र में गोता लगाएंगे तो जैसे ही गोताखोर, जैसे मान के चलो एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे यहाँ तक क्या भरा हुआ है पानी, ठीक है, यहाँ तक क्या भरा हुआ है पानी, ये गोताखोर इधर से जब इस समुद्र के अंदर जाएगा तो ये जो गोताखोर है लगभग इधर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जब इधर से पहुंच जाएगा तो ऊपर जो पानी भरा है ऊपर से पानी क्या लगाएगा, इसके ऊपर दाब लगाएगा, क्या लगाएगा बेटा, दाब लगाएगा, तो अधिक दाब लगाएगा, तो अधिक दाब लगाएगा तो ये जो अगर सांस लेने के लिए वायु का उपयोग कर रहा है, किसका उपयोग कर रहा है बेटा, वायु का, देखो वायु का ही उपयोग करेगा सांस लेने के लिए, है ना, ठीक है। तो वायु का उपयोग करेगा तो ये जो वायु है इसके अंदर जो है वो इजिली चली जाएगी, बहुत आराम से चली जाएगी, क्योंकि दाब बढ़ गया है ना, तो ये वायु के अंदर मतलब जो गैसेस हैं इसके शरीर में बहुत अच्छे से चली जाएंगी, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो ये गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए भी इसका यूज हो रहा है हेनरी नियम का, ठीक है। लेकिन इससे देखो एक प्रभाव पड़ता है, देखो सुनो क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे ही गोताखोर गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए अगर नॉर्मल वायु का उपयोग करता है ना, तो नॉर्मल वायु में आपको पता है कौन सी गैस होती है बेटा, नाइट्रोजन होती है, क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो क्या होता है जैसे ही गोताखोर समुद्र के अंदर आता है तो समुद्र का पानी ऊपर से क्या लगाता है, दाब, तो ऊपर से दाब लगाता है, और अगर ये सांस लेने के लिए नॉर्मल वायु का उपयोग कर रहा है तो अधिक दाब पर नॉर्मल वायु में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है वो इस व्यक्ति के ब्लड के अंदर मिल जाती है, इस व्यक्ति के ब्लड के अंदर मिल जाएगी, और जब ब्लड के अंदर नाइट्रोजन मिलेगी तो नाइट्रोजन के साथ तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता ही नहीं है, ब्लड का सर्कुलेशन नाइट्रोजन के साथ नहीं होता, इसलिए ये रुधिर में क्या कर देगी, बुलबुले उत्पन्न कर देगी, ठीक है, क्या उत्पन्न कर देगी, बबल्स उत्पन्न कर देगी, बुलबुले उत्पन्न कर देगी, ठीक है। और जैसे ही फिर ये गोताखोर बाहर निकलेगा तो नाइट्रोजन भी बाहर इसके शरीर से निकलेगी, तो वो किसी ना किसी रूप में निकलेगी, तो इसको उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकती है, मतलब इसकी एक जान भी जा सकती है, ऐसा भी इसके साथ हो सकता है इस गोताखोर के अंदर के साथ, ठीक है। इसीलिए बेटा जब गोताखोर समुद्र में सांस लेने के लिए जाता है तो यहाँ नॉर्मल वायु का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है, वहां किसका उपयोग किया जाता है, तो वहां पर वायु और हीलियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वायु और हीलियम के मिश्रण का उपयोग करने से क्या होता है कि अधिक दाब पर क्या होता है, नाइट्रोजन जा नहीं पाती, और हीलियम का उपयोग, हीलियम और वायु के मिश्रण का उपयोग करता है जिससे कोई उसको प्रभाव नहीं होता, इजिली वो गोता लगा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। देख नेक्स्ट है अधिक ऊंचाइयों पर आरोहकों के लिए, अधिक ऊंचाई देखो जो ऊंचाई पर चढ़ते हैं उन्हें आरोहक बोलते हैं, ठीक है, और जो समुद्र में गोता लगाते हैं उन्हें गोताखोर बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऊंचाई पर चढ़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आरोहक, ठीक है। तो आपको पता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर है अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो ये जो दाब है वो क्या होगा, घटता जाएगा। अब जब दाब घटेगा तो ऑक्सीजन की जो सांद्रता है
हमारे बॉडी में वो भी क्या होगी, कम होगी, और सांद्रता कम होगी तो उसको फिर सांस लेने में दिक्कत होगी, उसका दिमाग चकराएगा, आदि प्रॉब्लम उसको हो सकती है। ठीक है, तो अधिक ऊंचाई पर आरोहकों के लिए भी इसका यूज हम करते हैं, तो हेनरी नियम के होगा अनुप्रयोग। ठीक है, तो हेनरी नियम हमारा कम्प्लीटली समाप्त होता है, कम्प्लीटली। अब बचे हैं हेनरी नियम के जो है ना अनुप्रयोग, तो इसके जो फॉर्मूला वगैरह मैंने बताए थे, इसके जो कॉन्सेप्ट बताए थे, इनको अच्छे से याद रखना, कल की जो वीडियो है वो इसके न्यूमेरिकल पे होगी, हेनरी नियम के न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो बताओ ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, मैंने तो अपनी भाई पूरी जान जी जान लगा दी आपको पढ़ाने में समझाने में। ठीक है, तो आपको ओवरऑल कैसा लगा भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, हम जरूर पढ़ते हैं आपकी कमेंट को। तो कमेंट में बताओ कि कैसा वीडियो लगा, है ना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और फ्रेंड सर्कल में वीडियो को फैला दो, ताकि राहुल सर का सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, और जल्दी से जल्दी ये व्हाइट बोर्ड स्मार्ट बोर्ड में चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन वो होगा सब आपकी ही कारण, आप ही मेहनत करोगे, सपोर्ट करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।